मामला हमीरपुर जनपद के राठ कोतवाली इलाके का है, जिसके अंतर्गत अपने खेत जा रहे युवक को बाइक सवार व तीन बदमाशों ने रास्ते में रोककर मारपीट की। आरोप है कि बदमाशों ने चाकू से हमला बोल उसे घायल कर दिया, गले में पड़ी सोने की चैन छीन कर भाग गए। कोतवाली क्षेत्र के टोला गांव निवासी अखिलेश मिश्रा पुत्र रमेश चंद ने बताया कि नगर के जलालपुर रोड पर आवास बनाकर रहता था। शनिवार देर रात अपने छोटे भाई पुरुषोत्तम के साथ खेत की ओर जा रहा था। सरसई रोड पर महावीर मंदिर के पास एक बाइक पर सवार तीन बदमाशों ने उसे आम गांव की रास्ता पूछी। वह रास्ता बता ही रहा था कि तभी बदमाशों ने उसे उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह देख बाइक पर बैठा उसका भाई पुरुषोत्तम भाग खड़ा हुआ। बताया कि बदमाशों ने उस पर चाकू से तीन बार बार किए, गले में पड़ी सोने की जंजीर छीन कर भाग गए। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब आरोपी भाग चुके थे। कोतवाल मनोज शुक्ला ने बताया कि क्या नाम है आपका, अस्पताल में भर्ती कर क्या घटना हुई है आपका, क्या घटना हुई है? रास्ते में आ रहा था, तीन लड़के मोटर बाइक से आए, उन लोगों ने मुझे छेड़ा, कहा भैया थोड़ा सा ये बताओ कि हम गांव की रास्ता किधर है। मैंने कहा कि भाई साहब आप पीछे चले जाएं 4 किलोमीटर। बस इतना कहने के बाद उन लोगों ने सीधे एक ने रिवाल्वर कनपटी पे लगा दिया, एक ने चाकुओं से वार करना चालू कर दिया। मेरा मोबाइल निकाला, मोबाइल तो फेंक गए वो लोग थोड़े दूर, मोटरसाइकिल की चाबी निकाली वो भी रात में मिल गई, चैन गले की चैन तोड़ के ले गए और चाकुओं से बार भी किया। चाकुओं से 4 बार है मेरे शरीर में। इसके बाद आपने अभी तक कोतवाली में शिकायत की है? हमीरपुर से UP24 न्यूज के लिए सेतु सेंगर की रिपोर्ट।